सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन ने एक पत्थर आ गया जिसको तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटा। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि पत्थर नहीं टूट रहा। इसका मतलब है सहाबा सिर्फ इल्म के लिए हुजूर के पास नहीं आते थे। बड़े बड़े ताकत वाले अलीयुल मुर्तजा जैसी ताकत वाले बंदों से वो जब पत्थर नहीं टूटा ना, तो हुजूर की बारगाह में आके अर्ज की, हुजूर अब आप बताएं क्या करना। तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो पत्थर मैं तोड़ देता हूँ। 30-30, 32-32, 35-35 साल जवान से पत्थर नहीं टूटा, तो 55-56-57 साल के उम्र के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पत्थर को तोड़ा। आपने बाजू चढ़ाए, आपने फरमाया लाओ गिनती मुझे पकड़ो। फिर आपने एक दफ़ा गिनती मारी, दूसरी दफ़ा मारी, तीसरी दफ़ा मारी, तो 3 बार गिनती मारने पे 9 टुकड़े उसके फरमा दिए। फिर आपने जब पहली दफ़ा गिनती मारी तो आपने फरमाया शाम फतह हो गया। दूसरी दफ़ा गिनती मारी तो फरमाया ईरान भी फतह हो गया। तीसरी दफ़ा गिनती मारी तो फरमाया यमन भी फतह हो गया। और तीनों दफ़ा नारा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लगाया, लगा लें ताकि सुन्नत पूरी हो जाए। नारे तकबीर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद। इसका मतलब है खुशी के मौके पर नारा लगाना सुन्नत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।